हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रूबी और स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी। ओरियो कपकेक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक ओरियो बिस्किट का पैकेट ले लिया है। उसके बाद हम ये बिस्किट निकाल लेते हैं पैकेट में से। बिस्किट को मैंने पैकेट से निकाल लिया है और अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। उसके बाद डालेंगे एक ग्राइंडिंग जार में। बिस्किट को डाल लेते हैं यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार में और इसका एक फाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया है और इसे मैं निकाल लेती हूँ एक बोल में। सारा मिक्सचर मैंने बोल में निकाल लिया है और इसका हम बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पर लिया है मैंने दूध, तो यहाँ पर मैं थोड़ा दूध डाल रही हूँ। आधा कप के करीब दूध लिया है, जितना हमें दूध की ज़रूरत होगी उतना ही इसमें यूज़ करेंगे। और अच्छे से मिला लेते हैं। बैटर को मैंने अच्छे से मिला लिया है और साथ में यहाँ पर मैंने 4 माइक्रोवेव सेफ कप ले लिए हैं और इसे हम तेल से ग्रीस कर लेंगे। कप यहाँ पर हमारे तैयार हो गए हैं और उसके बाद इस बैटर में मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच के करीब इनो और साथ इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे इनो को एक्टिवेट करने के लिए। तो ये मैंने दूध डाल दिया है और इसे मिला देंगे। बैटर में मैंने इनो को अच्छे से मिला दिया है और इस बैटर को अब हम डालेंगे कप में। तो हमने कप को पहले से तैयार किया हुआ है और आधे से थोड़ा कम भरेंगे हम कप को इस बैटर से। तो यहाँ पर जितने भी कप यूज़ हो पाएंगे मैं इसमें यूज़ कर लूँगी। तो मैं सभी कप को इसी तरीके से तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने 3 कप का ही यूज़ किया है बैटर के लिए। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़े से चॉको चिप्स, जो भी आपके पास हैं, चॉकलेट वाले हैं, वाइट चॉकलेट वाले हैं, और या फिर आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आपके पास टूटी फ्रूटी है तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद इसे हम डालेंगे माइक्रोवेव में और केवल 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे माइक्रोवेव में डाल दिया है और 2 मिनट होने के बाद मैंने इसे निकाल लिया है। और ये देखिए हमारे कप केक बहुत ही स्पॉन्जी से, फूले फूले से बनकर तैयार हुए हैं। सारे केक इसी तरीके से तैयार हुए हैं और बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। तो मैं इसका टेक्सचर दिखाती हूँ अंदर से कि ये केक हमारे अंदर से कैसे हैं। और बहुत ही जालीदार से स्पॉन्जी केक तैयार हुए हैं, ये देखिए। और मैं दूसरा भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं दूसरा कप केक भी दिखाती हूँ। तो ये वाइट वाला देख लेते हैं। और ये भी केक हमारा बहुत ही स्पॉन्जी बनके तैयार हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये देखिए कितना स्पॉन्जी है। तो इस तरीके से कप केक ज़रूर बनाएं, केवल 2 मिनट में बनके तैयार होता है। और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें, मेरे साथ कमेंट करके शेयर करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद।